हमीरपुर जिले के राजकीय उच्च विद्यालय गुलेला के विद्यार्थियों ने इस बात को सही साबित किया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कम प्रतिभावान नहीं है। ये स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में हर वर्ष पुरस्कार जीतता आ रहा है। गुलेला स्कूल के बच्चों की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इंस्पायर योजना के तहत होने वाले कार्यक्रमों में हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उन्होंने अपने विज्ञान मॉडल के माध्यम से सभी को आकर्षित किया है। विज्ञान व पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में गुलेला स्कूल को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया और स्कूल की अध्यापिका पूर्णिमा कुमारी को ग्रीन स्कूल का राष्ट्रीय एम्बेसडर भी बनाया गया। ग्रीन स्कूल में वर्षा जल संग्रहण, परिसर में पौधरोपण, सोलर उपकरणों के उपयोग और स्कूल परिसर का सौंदर्यकरण शामिल है। इंस्पायर मानिक अवार्ड के तहत मैंने साइंटिस्टों को अपना आइडिया दिया था जो उन्हें पसंद आया। इस आइडिया को मैं एक मॉडल के तहत मॉडल के द्वारा जल्द ही बना लूँगा। इस मॉडल को बनाने के लिए मुझे 10,000 रुपये भी मिले हैं। यह मॉडल सोलर पैनल से चलेगा। यह मसालों को गर्म करने के लिए काम आएगा। हमारे स्कूल में जो है वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ऐसी बहुत सी अचीवमेंट्स हमने ली है। हमारे स्कूल को जो है वो अभी ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में दिल्ली में जो है वो अवार्ड मिला है, जिसमें हमारे स्कूल में हमें पूरे जो इको क्लब मेंबर्स हैं उनको और हमारे जो गाइड टीचर है श्रीमती पूर्णिमा मैम उनको भी जो है वो वहाँ पर बुलाया गया था और ग्रीन स्कूल का अवार्ड दिया गया था। और जब मैम आए तो उसके बाद जो वो हमने हमारा साइंस के लिए इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया और मैंने जो है वो एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू की, जिसमें कोविड के टाइम पर जो है वो कोविड का टाइम था तो हमने जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को उसमें ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई। फिर जब मैंने सेकंड में जब साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई तो उसमें मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ इको ब्रिक फॉर द सस्टेनेबल लाइफ में हमने इको ब्रिक को जो है वो ज़्यादा अवेयर किया, जिसमें सभी लोगों को एक इनोवेटिव आइडिया लगा और बहुत पसंद आया। हमारा स्कूल लास्ट ईयर जो है ग्रीन स्कूल घोषित किया गया था CSE न्यू दिल्ली के द्वारा, तो इस वर्ष भी हमारे स्कूल की रेटिंग ग्रीन रही। और इसमें एक ऑडिट प्रोग्राम होता है जिसमें 6 सेक्शन होते हैं, हवा, पानी और वेस्ट और लैंड का इसमें ऑडिट किया जाता है, साथ में एनर्जी का भी ऑडिट बच्चे करते हैं। एक क्वेश्चनियर होता है, सेटअप होता है, तो उसमें सारी आपकी ग्रीन एक्टिविटीज़ की रेटिंग की जाती है। और अपने कार्यों को देखते हुए मेरे 8 साल से मैं इस चीज़ से जुड़ी हुई थी ऑडिट प्रोग्राम से, तो मुझे भी ग्रीन स्कूल का एम्बेसडर पिछले 2 सालों से बनाया जा रहा है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं, एक सरकारी स्कूल में हमने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी हैं। साथ में ही मेरे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर मानक अवार्ड स्कॉलरशिप में लगातार 8 वर्षों से सेलेक्ट हो रहे हैं, अपने आइडिया स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक ले जाते हैं। साइंस सर्वे रिपोर्ट में भी हमारे स्कूल की छात्रा और पिछले स्कूल के भी मेरे छात्र जो है स्टेट लेवल लगा चुके हैं। स्कूल के मुख्य अध्यापक प्रकाश ठाकुर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से स्कूल की प्रबंधन समिति उच्च विद्यालयों में प्रथम स्थान पर रही है और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और अन्य खेलों में विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जो एक प्रतियोगिता है उसमें हमारे स्कूल के बच्चे लगातार स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इको क्लब बारियर हमारे स्कूल की बच्ची दिल्ली में अभी भी एक प्रोजेक्ट संपन्न हुआ, वहाँ इन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें हमारे स्कूल के एक 7वीं कक्षा के बच्चे हर्षित ने 3000 मीटर की दौड़ में 5000 का सेकंड प्राइज जीता। हमारा स्कूल में हर टीचर बहुत मेहनती हैं, यहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुलेला के सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा के दम पर ये साबित कर दिया है कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन में हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों की लगन और अध्यापकों का मार्गदर्शन अन्य स्कूलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमीरपुर से DD News के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट।